अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड केम छो। आप तमाम लोग देख रहे हैं अपने होस्ट अरशद खान को, जो कि मौजूद है इस वक्त स्त्री चार के चैनल टीवी चार पे। टीवी चार का प्रोग्राम है स्ट्रिंग कनेक्शन। स्ट्रिंग कनेक्शन जो कि कॉन्सर्ट बाय हेमा खान है, और ये कॉन्सर्ट हेमा खान ने जो बनाया, उसकी वजह यही थी कि जो ये सीजन चल रहा है कोविड 19 के अंदर, everyone is inside the house. usually जो लोग आपस में mingles होते हैं वो नहीं हो रहा, एक दूसरे मिलना जुलना नहीं है, और आपस में जो है वो चीजें नहीं चल रही। लेकिन क्योंकि production house, एक as a media जो कि हमारा काम बनता है, हम हमेशा आपके साथ थे हैं और रहेंगे, तो बातें ज्यादा ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं कि आज स्ट्रिंग कनेक्शन जो कि टीवी चार पर है, ये क्या लेकर आया है आपके लिए। हमारी हमेशा से कोशिश हुई है कि दुनिया भर से जो भी टैलेंट है, किसी भी तरीके का टैलेंट है, हम उसको लाएं और आपके सामने पेश करें। हमें मालूम है कि आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं देखने के आज नया कौन आया है, या ऐसा कौन सा सॉन्ग है, या ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है जो इंजॉय की जा सके कोविड-19 में घर में बैठ के, या ड्राइव करते हुए, या कहीं और जाते हुए आते हुए। तो वर्क फ्रॉम होम ये हम सब कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, ये किसी एक मुल्क या एक जगह की बात नहीं है, थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, तो चलें, ज्यादा आपको आपको इंतजार नहीं करवाते, चलते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग कनेक्शन जो कि टीवी चार पर कॉन्सर्ट बाय हेमा खान। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, सरगोधा। पाकिस्तान सरगोधा, बहुत कम लोगों ने शायद सरगोधा का नाम सुना, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत फेमस है। एंड मैं क्या हर वो बंदा जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हो या पाकिस्तान के आसपास किसी भी कंट्री से हो, उसको डेफिनेटली सरगोधा का पता होगा। तो ये मैं आपको बताऊं कि सरगोधा से हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी एक अपनी शान है। मैं उनको बताने से पहले उनका कनेक्शन बताता हूं कि ये कनेक्शन कैसे है। शायद आप लोगों ने ना सुना हो मुख्तियारा बेगम, जो कि सरगोधा से ताल्लुक रखती थी, और एक बेहतरीन सिंगर जो कि मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है उन्होंने काफी काम किया, आपस में अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों के बीच में उन सबको एक मतलब एक सिंगिंग का और एक एंटरटेनमेंट का जो है जरिया प्रोवाइड किया, और काफी अरसा इन्होंने अपने इस काम पे वर्क किया और पब्लिक को बहुत ज्यादा महसूस किया। उसके साथ साथ उन्हीं के सपूत, उन्हीं के घर का चिराग जो हमारे बीच आज मौजूद है, काशिफ अली के एक ऐसा नाम उभर के सामने आया पिछले 2004 से, कि एक यंग लड़का और उसने ये ठान लिया कि अब मुझे अपनी माँ के नाम को आगे लेके चलना है। तो चले चलते हैं, सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं हमारे आज के मेहमान काशिफ अली के से। तो नाजरीन, आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए सबसे पहले डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे आज के मेहमान से, आपको मिलवाते हैं स्ट्रिंग कनेक्शन के हवाले से जो कि कॉन्सर्ट बाय हेमा खान है। आइए चले मिलते हैं हमारे मेहमान काशिफ अली के। अस्सलाम वालेकुम काशिफ अली, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। कैसा है मौसम सरगोधा का, सबसे पहले तो ये बताएं। माशाल्लाह जी, यहाँ पे तो बारिश हो रही है और बड़ा एक रोमांटिक टाइप का मौसम बना हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बताएंगे कि सरगोधा किस तरह का मतलब सिटी है, ये हिली स्टेशन है या क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दो लफ्जों में बताइए। जी मैं बताता हूँ कि मैं फर्स्ट एक मतलब आर्टिस्ट सरगोधा से हुआ हूँ कि जिसने इंटरनेशनल लेवल के सिंगर्स के साथ काम किया है। मैं देखता हूँ यहाँ की जो कम्युनिटी है, सराइकी कम्युनिटी है, मतलब एक हदूद तक यहाँ का एक इलाका है मियांवाली, वहां के गाने जो सराइकी आप सुनते होंगे, सराइकी बड़ी मशहूर एक लैंग्वेज हो गई है, तो बड़ी इंटरनेशनल वो भी हो गई है, मतलब काफी सिंगर्स हैं, शफाउल अरोखी साहब और भी बड़े हैं, जैसे कि बड़ा नाम हुआ है अताउल्लाह इसा केलवी साहब, ये मियां वाली तेरी काली ते सोने फुलना वाली।
जी क्या? हाँ जी, मैंने रीमिक्स भी ये गाना किया है, डेडिकेट उनको किया है, इंशाल्लाह मैंने रिलीज करना था, बस ये कोरोना के सीन की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं स्टॉप हो गया हूँ, तो इसलिए मैंने उनको डेडिकेट करना था। एक स्ट्राइकी कम्युनिटी पे मैंने एक मैशअप बनाया था, तो मैं चाह रहा था उनको, तो मैं सरगोधा के हवाले से आपको बता दूं, सरगोधा में बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको मैं समझाता हूँ कि आप लोग चलें हम लोग सरगोधा का नाम रोशन करें, शायद उनको वो क्या कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको घर से बाहर निकलना पसंद नहीं होता। मैंने जी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया, बहुत सारे सिंगर्स को सपोर्ट किया, मॉडल्स को सपोर्ट किया, और मतलब उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया। मैंने कहा ठीक है तुम लोग मत करो, लेकिन मैं सरगोधा को लेके चलता हूँ एक इंटरनेशनल लेवल तक, ताकि लोगों को पता चले कि काशिफ अली के फ्रॉम सरगोधा इसने नाम रोशन किया है, और मतलब सोशल्स में काम किया है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामों में आपको बताता चलूं कि ओएसटीज मैंने किए हैं। नहीं, एग्जैक्टली काशिफ आप सही कह रहे हैं कि किसी एक को तो कदम उठाना होता है, जैसे कि आपने वहां पे सरगोधा में, सरगोधा सिटी और सरगोधा के पूरे एरिया के लिए अपने ऊपर एक ठान लिया कि जी कोई अगर उठे ना उठे मैं तो उठूं और आगे बढ़ूं और सब मेरे पीछे आएंगे। यही कुछ हमारी भी सिचुएशन है यहाँ पर। इस स्टूडियो 4 प्रोडक्शन जो कि जिसका चैनल जो है TV4 है और TV4 का ये प्रोग्राम है स्ट्रिंग कनेक्शन, तो हमने भी यही ठान ली थी। हेमा खान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका कॉन्सेप्ट ही इसी बेस पे था कि जी किसी तरह से हम पाकिस्तान के कोने कोने से अपना टैलेंट उठा के लाएं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना एंड अफगानिस्तान और आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, हम सब में जाएंगे और आप देखिएगा कि इजी इजी सब लोग आगे आएंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है, किसी एक को कदम उठाना पड़ता है और आपने उठाया और आपने कोशिश की, बहुत जबरदस्त बात है। तो काशिफ चले पब्लिक को जो है हम आपका सबसे पहला एक सॉन्ग सुनाते हैं जो कि आपने मतलब जी पहले इसको रिलीज किया, और रिलीज जो इस सॉन्ग को किया है उसके भी मुताबिक हम आपको बताते हैं कि ये सॉन्ग क्या था। आइए देखते हैं पहले काशिफ अली कीके के पहले सॉन्ग की तरफ कि इस सॉन्ग में आपको कैसा लगता है, तो आइए सुनते हैं सॉन्ग।
किस्मत में खुदा ने तुझे हाँ लिख हे दिया, मेरे सजदों ने हाँ मेरे सजदों ने खुदा को राजी कर दिया। हर घड़ी धूप में लगता था जैसे तुम हो खड़े, बेसकूनी में भी तू मेरे दिल की आस बना, मेरे सजदों ने खुदा को वेलकम बैक। आप ये देख रहे थे सॉन्ग काशिफ अली का, जो कि बहुत जबरदस्त सॉन्ग रहा। अब आप लोग बताएंगे, फीडबैक देंगे कि काशिफ अली के ने इस काम में क्या चीज चार चांद लगाए हैं, तो ये हमारे नाज़रीन बताएंगे और उन्हीं की इस वक्त जो तारीफें आएंगी और वो बताएंगे कि ये कैसा लगा उनको सॉन्ग। तो काशिफ आप बताइए कि अब आप करना चाहते हैं या पब्लिक को कुछ अभी कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी वाई नॉट, पब्लिक को मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। जाहिर है कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो लिपसिंग कर लेते हैं तो कहते हैं कि आई एम बिगेस्ट सिंगर। आपको पता है ना, पीछे गाना लगा दिया तो मैं बहुत बड़ा सिंगर। मैं कहता हूँ यार, सिंगर हो वो लेकिन लाइव भी गाए। चलिए मैं लाइव आपको दो लाइन सुनाता हूँ। आप जरूर सुनाएं। इससे पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिंगर से ज्यादा लिप सिंगर बहुत है। हमारे यहाँ पे भी है एक दो नाम, तो बड़े मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जो उल्टी सीधी लिप सिंगिंग करते हैं, लेकिन चले हम उनको उनका नाम भी लेंगे, उनको सही करने की कोशिश करेंगे इसी प्लेटफॉर्म के हवाले से। डेफिनेटली आप सुनाइए जी। मैं गाना आपको सुनाऊंगा, हमारे बहुत लेजेंड जितनी तारीफ करो कम है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना था, तो मैं उनको पहले उनसे आगाज करूंगा क्योंकि हमारे वो बहुत लेजेंड थे। ठीक है, तो इजाजत चाहूंगा आप लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है। गम वाला चरखा ते दुखा दिया पुड़िया, हाय
ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕਦ ਸਕਣੀ ਨਾ ਬਦਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰੀ ਛੱਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਮੱਕਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਓ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਸੋ ਜੁਮਾ ਪੜ ਆਈਏ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਸੋ ਗੋ ਤੇ ਖਾਈਏ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੋਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਣੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੋਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਣੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਸੇਜ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਲੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੁਣੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਿਪ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਸਟਾਈਲ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸੇ ਹਮੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਇਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸੇ ਲੋਕ ਕਨੈਕਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸਿਰਫ ਯੇ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ different dialogues hain jo ke mere khayal mein over 11 or 13 hain different aur har ek ilake ki punjabi ka ek apna rang hai ek apni mithas hai aur saraiki unme se ek aisa meetha tarz ek aisa meetha sangeet aata hai wahan se jo ke main apni zuban se shayad nahi bata paunga lekin kashif aap wahan baithe hain definitely aap bata sakoge to mere khayal hai koi ek meetha sa kalam aur ho jaye dekhe kya khayal hai aap ji ji kyun nahi matlab kis type ka koi bhi cheez aur koi sunaye zabardast matlab yahan pe thodi si kuch awaaz jo hai wo kyunki over the internet jo hai thoda bahut problem aata hai to public bhi to bilkul achhi tarah samajhti hai तो कोई भी कोई और दूसरा कोई चीज और सुनाएंगे दिल तोड़ के साडा तू कुछ दाए हर चंगी कद कीती तू साडे नाल वे असी हौली हौली सबरां दा
उठ पीना सिख लिया, जा बेकदरा जा तेरे बिन जीना सिख लिया, जा बेकदरा जा तेरे बिन जीना सिख लिया। ओ इन्ना कीता प्यार तेनू क्यों रोने हिस्से आए, सुख दिते तेनू मर मर तू दुख साडे पले पाए। हाँ तो काशिप जबरदस्त, बहुत बेहतरीन गाया यार, जा बेकदरा जा तेरे बिना जीना सीख ले यार। तो बिल्कुल कर क्या यार, इसे छोटी सी उम्र में कौन है वो दिल तोड़ने वाला। मतलब था एक, बस आदत हो चुकी थी तो बस वो लीव इट इस टॉपिक को। क्या यही पूछना चाहते? यही पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने सिंगिंग स्टार्ट की 2013 में जब मेरा गाना आया। फिर 2014 15 16 3 साल हमारा रिलेशन रहा, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा। मैं बहुत उसे लव करता था लेकिन उसने मेरी कदर ना की। वाह क्या ठीक है, बात है, उसने मेरी कदर ना की। लेकिन मैं तो मतलब कहने का मतलब ये कि जो ये दर्द तुम्हारे गले में अल्लाह ताला ने दिया है, ये दर्द जो है वो किसी की देन है यार। मैंने मैंने उसके एक उसके लिए गाना गाया था। हाँ हो मैंने जाए। उन तेरी मोहब्बत, मैंने लिखा भी था, उसे राइट भी किया था। मैंने उन तेरी मोहब्बत दी लोड़ में। क्या बात है, एक मिनट मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि नादरीन आप जी जी देख रहे हो काशिप अली के को, और प्रोग्राम हमारा है स्ट्रिंग कनेक्शन ओनली ऑन TV4 कॉन्सर्ट बाय हेमा खान। तो इस बात को हम थोड़ा सा एलिब्रेट इस तरह से करते हैं कि जरा ये तो देखें कि ये बंदा जो आपके सामने बैठा हुआ है, एक छोटी सी उम्र में मतलब दिल पे चोट खाया हुआ बंदा जो है, वो कहते हैं ना कि कुछ बहुत ही आगे निकल जाता है। तो खुद कंपोज करते हो और खुद गाते हो और खुद राइट म्यूजिक, भी करता हूँ मतलब क्या बात जी। है यार। थोड़ा हो जाए, ये दिल टूटने के बाद क्या गाना क्या गाया था, थोड़ा सुनाओ तो सही। तेनो हुण मेरिया मोहब्बता दी लोड़ नहीं, क्या बात है यार। मेनू गम बड़े तेनो खुशियां दी थोड़ नहीं, मैं तो मैथों हुणे दूर हो गया, सुपना मेरा चूर हो गया, रोएंगी तू बेवफा, मैंने रोएंगी तू बेवफा। फिर इसमें एक लाइन उसके लिए स्पेशली लिखी थी, मुझे पता था अल्लाह ने मुझे स्टार बना देना। ओ एक गल याद रखी, याद तेनू आवांगा, ओ हौली हौली तेरे बाजों जीना सीख जावांगा, और तेरे बाजों जीना सीख जावांगा, हर पासे तू सुनेगी मेरा नाम, तेनू लभनी ना चंगी कोई था, रोएंगी तू बेवफा क्या बात है बेवफा, रोएगी तू बेवफा, अखियां चू हौली हौली अथरू ने डिग दे, ओ अखियां चू हौली हौली अथरू ने डिग दे, होठ मेरे सुके हुण अथरू न भिज दे, ओट मेरे सुके हुणे चुरु न पिजे दे, हुण लैणा नहीं कदी मैं तेरा नाम, हुण लैणा नहीं कदी मैं तेरा नाम, लै छाड़ती मैं अज तेरी बां, रोएंगी तू बेवफा। अभी मैं इस प्रोग्राम के हवाले से आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ, और जी जी खुशखबरी तरह से है। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इतने लोग सुन रहे हैं, और आपको पता है कि कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंजाब से बहुत लोग हैं, इंडिया पंजाब पाकिस्तान पंजाब से बहुत लोग हैं, लेकिन इसके साथ साथ गाने अक्सर चोरी भी हो जाया करते। तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये बताओ मुझे पहले। अच्छा चलिए, रिलीज हुए हैं, ये गाने रिलीज हो चुके हैं, आपको सेंड किए मैंने, ये रिलीज हो चुके हैं। वाह जी, क्या बात है क्या बात है। तो ये गाना तुमने खुद रिलीज किया है या किसी कंपनी ने? हाँ,
मैंने अपने चैनल पे रिलीज किए थे। ओके, तो काशिफ अली के ने ये रिलीज किया है, तो ये गाना तो ये हमारा हो गया। मेरे पास एक बंदा है, ये मेरे पास एक बंदा है, आज ऑफिशियली मैं आपको इस बात की ऑफर दे रहा हूँ, TV4 स्टूडियो 4 की तरफ से, स्ट्रीम कनेक्शन में नाजरीन जो आप सुन रहे हैं काशिफ अली केके को, और ये गाना जो कि रोएंगी तू बेवफा, ये गाना जो है हमारे एक अच्छे कोलीग हैं, और डेफिनेटली मैं उनसे बात करूंगा, और ये गाना तो गया जी। अब आप जो इंशाल्लाह है, हाँ, वो आपको, आपके साथ वो बात हो जाएगी, क्रिएटिव टीम कर लेगी बात आपके साथ में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर कर आके ही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बनते हैं कनेक्शंस, नाजरीन आप देख रहे हैं कनेक्शन किसी तरह से बनते हैं, और ये है वो जरिया जो कि TV4 ने प्रोवाइड किया है, कॉन्सर्ट बाय हेमा खान, स्ट्रिंग कनेक्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि एक सुरीली और मीठी आवाज ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान सरगोधा से हमारे साथ आज मौजूद है, काशिफ अली के, जिनका अपना स्टूडियो है, और जो कि हमें बता रहे थे कि काफी अरसे के बाद जब इन्होंने अपनी भागदौड़ संभाली और बड़े हुए, तो मदर को हमेशा इन्होंने सिंगिंग करते देखा, मुख्तारा बेगम जिन्होंने बड़ी अच्छी सिंगिंग की, और उसके बाद इन्होंने ये बेड़ा अपने ऊपर लिया और उठे और खड़े हो गए कि किसी तरह से सरगोधा का नाम आगे लेके चलना है, कोशिश बड़ी की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकाम इनको मिल चुका है। जैसे कि इनके गाने में आपने सुना कि सुनेगी तो मेरा नाम सारे जहान में, तो ये अब पूरे जहान में इनका नाम जो है, वो आवाज और नाम और शक्ल देखने और सुनने वाली है, वो जो भी है, खैर खुश रहो, आपने अपनी कोशिश से एक स्टार तो बना दिया। जी 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 बिल्कुल। मैंने एक गाना, एक मेरा दोस्त मिला मुझे पिछले दिनों, तो मुझे कहने लगा यार क्या रोने धोने वाले तुम गाने गाते रहते हो। मैं कह यार फिर मुझे कोई आइडिया दो। कहते यार आजकल मशूकें आ रही हैं, गर्लफ्रेंड्स आ रही हैं, ये वो। मैंने कहा चल यार इस बंदे ने ना बड़ी अच्छी एक मुझे लाइन दी, उसके पीछे मैंने लाइन क्या बनाई, तेरा पतला झलक जदो हिलदा है लगे फूल कोई बाग विच खिलदा है, तेरा पतला झलक जदो हिलदा है लगे फूल कोई बाग दे विच खिलदा है, तेरे थलवे होंठ दा तिल जेड़ा, थलवे होंठ दा तिल जेड़ा मेरी एक्स मशूक ना मिलदा है। क्या हुआ? तेने कुछ नया लिखा तू ना काशी में, सच बताओ आज प्रोग्राम में तू पुराना पापी है, उसको नहीं भूला। इस गाने में वो वो एक याद मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार मतलब ये चीजें होती हैं, मैंने उसके लिए बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारे। वो एक गाना था मुझको तो बर्बाद किया है, वो उसका स्केल जरा मैं मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे मेरी वफाएं या। तो बेसिक वो रहीम यार खान से थी, ये भी आपको बता दो, रहीम यार खान ही थी। ये वैसे रहीम यार खान और सरगोधा यार कुछ पहली दफा सुना है वैसे कनेक्शन। बहुत दूर बहुत दूर। तो मतलब एक टाइम ऐसा आ गया, एक टाइम ऐसा आ गया कि उनके सिटीज में मेरे 20-20 शोज हो रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं मेरे, बड़े बड़े फ्लेक्सेस लगे हैं, मेरे फैंस मुझे कह रहे हैं सर आप कब आएंगे, तो मैं जा रहा हूँ वहां पे, तो मतलब बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, तो मुझे कह रहे यार आप वही वाले काशिफ हो ना, वो वाले। मैंने कहा मैं वो बिल्कुल नहीं रहा ना, मैं वो हूँ, आप कौन। मुझे सही। मतलब लोग पूछ रहे हैं, उन्हीं दिनों में मेरे फेवरेट साहिर अली बग्गा जी, उनके साथ एक शो मेरा हो गया, मीन्स के उनके साथ मुझे पता चला वहां पे साहिर अली बग्गा जी आए हैं, तो मैंने किसी को कहा यार मैंने प्लीज मैंने इनके साथ परफॉर्म करना है, ये मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है बहुत ज्यादा। तो मुझे कहने लगे यार वो कहाँ, मैंने कहा यार प्लीज यार किसी तरीके ना एयरबेस में मुझे एंटर कर दो, तो मैं इंटर हो गया वहां पे। तो मतलब बातचीत की, तो बड़ा उनको फोर्स किया मैंने उस टीम को ऑर्गेनाइज जिन्होंने प्रोग्राम, मैंने कहा सर प्लीज मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने दे, तो कहते नहीं यहाँ पे तो साहिर अली बग्गे ने गाना, मैंने कहा प्लीज एक बार मुझे परफॉर्म करने दे एक गाना। खैर मुझे चांस दे दिया उनने, तो जब चांस दिया मैं स्टेज पे गया, तो स्टेज पे मैंने एक गाना गाया, जब मैं नीचे आया तो आवाम कहती है इस लड़के को ऊपर लेके आओ, इसने प्रोग्राम करना है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो एक गाना,
मैंने 8-10 गाने गा दिए वहां पे। वाह जी, मुझे बैक स्टेज पे मुझे साहिर अली भगा जी सुन रहे थे, तो मैंने फोर्स किया वहां पे, जितने अफसर थे फौजी थे फोर्स के, मैंने कहा प्लीज मैंने जाना है इधर, तो मुझे ले गए रूम तक। मैंने अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम योर बिगर फैन, मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ सर। तो मुझे देखने लगे पहले, मैंने कहा सर मैं गा रहा था वहां पे, सर कहते तुम काशिफ अली के हो ना, तो मेरे पाओं के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये हाँ मतलब काशिफ अली के मतलब इतना बड़ा स्टार जो है, तो मुझे कहते हैं कि तुम काशिफ अली के हो ना, तो मैं कहा जी सर, मैं तुम्हें सुनता रहता हूँ फेसबुक पे, मैं बड़ा मतलब मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। तो खैर हम बैठे, खाना शाना खाया, सेल्फी वगैरह ली, उन्होंने एक वीडियो बनाई, मुझे स्पेशली कहा कि ये काशिफ अली के है, वन एंड ओनली सरगोधा से, ये बहुत अच्छा गाता है, इसको ऐसे सपोर्ट करें, ये छोटा मेरा भाई है। तो उसके बाद मतलब बहुत बड़ा मेरा एक दिल हो गया। उसके बाद एक ऐसा चांस हुआ, शाही किला में मुझे पता चला कि साहिर अली बगा जी का बहुत बड़ा एक इवेंट है, तो मैं यहाँ से स्पेशली मैं चला गया वहां पे। तो मैं जब गया तो मुझे बाउंसर्स ने वहां पे मतलब स्टॉप कर दिया, कहते आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा प्लीज यार मैं बहुत दूर से आया हूँ, कहते 5,000 रुपया लगेगा। मैंने कहा यार आप प्लीज मुझे अंदर जाने दें। कहते अच्छा कहाँ से? मैंने कहा सरगोधा से। इतनी देर में मुश्तबाश, 5,000 टिकट था, 5,000 का टिकट था। नहीं 5,000 तो नहीं दिया था, 5,000 नहीं दिया था मैंने। तो मैंने वो उनके आए तो मैंने फोन पे बात करवाई, मैंने कहा मैंने जाना है, तो मुझे उन्होंने अंदर जाने दिया। जब अंदर काफी मेरे जानने वाले थे वहां पे, काफी मेरे जानने वाले थे, मुझे देखे बड़े खुश हुए वो, यार ये बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। तो मुझे मतलब पानी पिलाए, चाय पिलाए, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पेक्ट की मेरी। फिर मैं बग्गा भाई का वेट कर रहा था, मैं उनके कॉन्सर्ट का वेट कर रहा था। मैंने कहा जल्दी आए बग्गा भाई, मैं उनका कॉन्सर्ट देखूं और मैं उनके साथ सेल्फी लूं। तो खैर वो आए, वो किसी को नहीं मिले, वो आते सार मुझे देखा है, मुझे उन्होंने हग कर लिया, ऐसे कहता यार तुम कब वाह आए, मुझे बताया नहीं, मुझे अंदर ले वाह गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर बग्गा भाई ने बड़े अप्रिशिएट किया मेरे सॉन्ग, वो शेयर करते हैं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं वो, छोटा भाई समझ के। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ये मेहनत कहीं ना कहीं रंग ले आती है, और बेशक अरे बगा जो है वो आपको इतना पसंद करते हैं, और अक्सर मतलब आजकल मेरे मेरा ख्याल है कोई एक गाना भी उनके साथ कर रहे हो। नहीं मुझे मैंने उनका गाना एक रिकॉर्ड किया, मैंने उनका गाना अच्छा रिकॉर्ड किया उनकी इजाजत से, सर मैं आपका ये गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैं आया फेसबुक पे लाइव, तो मैंने मास्क डाला हुआ था। बगा भाई फर्स्ट टाइम उन्होंने कमेंट मुझे किया, यार तुमने रूम में मास्क डाला हुआ है। मैंने कहा बगा भाई मुझे यहाँ भी डर लग रहा है, कहता नहीं नहीं उतार रहा। अच्छा तो वो आते आते मैंने कहा बगा भाई एक रिक्वेस्ट है, मैं ऑन द स्पॉट लाइव आपको कह रहा हूँ कि आपका एक गाना गाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा काशिफ गाना तुम्हारा अपना, तुम गा लो। वाह वही वाह, क्या बात है क्या आप बात है। बिलीव करें, उसी रात मैंने म्यूजिक कंपोज किया, उसी रात म्यूजिक को बनाया, फिर गाया, मैंने अपलोड किया। सुबह मुझे मुझे पता चला कि साहिर अली बग्गा जी ने वो गाना शेयर कर दिया। तो क्या मतलब बात, लोगों की कॉल्स आई, लोगों ने कहा यार तुम्हारा गाना साहिर अली बग्गे ने शेयर की। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, तो मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, तो मतलब मैं एक मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कमेंट क्या करूं, कुछ ओके समझ नहीं आ रहा था, इतनी खुशी मुझे हो रही थी। तो मतलब मैं लोगों को स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा था कि यार बगा भाई, तो मतलब बहुत ज्यादा। फिर काफी बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, जैसे प्रीत लिखारी एक शायर हुए हैं बड़े, उनके मैंने काफी म्यूजिक सिखों के किए हैं सर। मतलब इस तरह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी एक मुझे एक लाइफ बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया मुझे। नहीं तो माशाल्लाह से काशिफ, कहते ना कि काम अच्छा करना और मेहनत लगन के साथ में करना, तो हर चीज आपने पा ली जो आपकी ख्वाहिश थी। साहिर अली बग्गा और जितने बड़े बड़े नाम हैं उनके साथ आपने परफॉर्म किया, गाया, और हर चीज हासिल किया आपने। उसको क्यों नहीं हासिल किया? जी उसको क्यों नहीं हासिल किया? बस उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत थी जब थी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं एक गाना शूट करने गया तो मैं उसको बता के गया, मैंने कहा यार मैं गाना गाने जा रहा हूँ, तो मतलब बड़ा ही कमाल का गाना है, यादा उस गाने का नाम था। तो मतलब मेरे हग, मैंने मॉडल के साथ हग किया, हाथ पकड़े, आते सारी मैंने उसको दिखाया, ये देखो मेरा गाना, उसने मोबाइल पकड़ के दीवार में मारा मेरा, मतलब मैंने कहा तुमने मेरा मोबाइल पकड़ के दीवार में मार दिया। कहते नहीं तुमने ये, मैंने कहा मैं मतलब अपनी जिंदगी को सक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब जलील नहीं करना चाहता। मतलब वो इस तरह करती, जैसे जैसे वो दूर होती गई मेरा नाम चढ़ता गया।
जैसे जैसे मैंने फिर एक दिन मैं नमाज पढ़ा, नमाज के बाद मैंने जब सजदा किया तो मतलब प्रॉपरली मैंने दुआ मांगी। मैंने कहा यार, मेरे माइंड में एक ख्याल आया, मैंने कहा या अल्लाह तू खालिक मालिक है, तू बेहतर जानता है हर चीज को, उसको दूर किया, मेरा नाम बनाया, इसमें कुछ बेहतरी थी। तो उसके बाद मतलब बहुत सारे फैंस मेरे मिलना चाहते हैं, मुझे मुझे कॉल्स करते हैं फैंस, लेकिन मैं सबको मिलता हूँ, हक करके मिलता हूँ, प्यार से मिलता हूँ। कभी मतलब खुद को नहीं मैंने कहा कि मैं इतना, ये लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम्हें एटीट्यूड बहुत है, मैं तो नहीं यार, भाई गलत आपको बात लगता कहते हैं जो कहते हैं, है। गलत कहते हैं। मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ये हमारा छोटा भाई जो है काशिफ अली के में एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड बकर पूरी इतनी बड़ी महफिल में आके उसको खुद क्यों हक करते। तो एटीट्यूड इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने इसको हुनर दिया है, इसकी मेहनत है, माँ की दुआएं। और सुना है तुम्हारे छोटे भाई भी बहुत अच्छे सिंगिंग करते हैं। हाँ जी, वो भी मतलब सिंगिंग करता है, लेकिन कुछ है कमी है, इंशाल्लाह उसकी दूर हो जाएगी। अभी उसको मैंने कहा इसको थोड़ा सा स्टे करो, ठीक है। तो मतलब बड़ी बड़ी डेफिनेटली कॉम्पिटिशन की है, बड़ा बड़ा एक कॉम्पिटिशन थी, मैं आपको दिखाता हूँ वो कॉम्पिटिशन, मतलब बहुत हार्ड थी। ये भी मैंने उस दौर में की थी, मतलब कि आपको बात बताऊं। बड़ी यादें वाबस्ता है यार। अब मैं क्या कह रहा हूं उसको, भूल ओ, भूल गयो प्यार माही, बिछोड़ा पले पागे, भूल गयो प्यार माही, बिछोड़ा पले पा गया, उमरा दा लारा लाके, उमरा दा लारा लाके, उमरा दा लारा लाके, मैनू तड़पा गया, भूल गयो प्यार मांगी, पिछोड़ा पले पा गया, हाँ ओ याद कर तेरे वादे, तेरी आओ कसमा सी, भूल गई अल्लाह दिया जिड़िया रस्मा सी, ओ भूल गया प्यार मांगी, पिछोड़ा पले पा गया। ये बनाई थी। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग कनेक्शन, जो कि प्रोग्राम है टीवी चार का, ओनली ऑन टीवी चार, कॉन्सर्ट बाय हेमा खान। और आज हमारे साथ जो मौजूद है एक बड़ा नाम, सरगोधा से, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, सरगोधा से। और बड़ी ही अपनी छोटी सी उम्र में बड़ी तरक्कियां कमाई इन्होंने, और बहुत कुछ कर रहे हैं, काफी कुछ कर चुके हैं। इनका अपना स्टूडियो वहां पे बहुत दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली के। चलें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और सुनाते हैं इनके अगली कंपोजिशन जो उन्होंने तैयार की और मार्केट में गाना रिलीज भी हुआ, तो आप उसे देखिए। तो चले चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। याद रखिए, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग कनेक्शन ओनली ऑन टीवी चार, कॉन्सर्ट बाय हाइमा खान। चला मेरा जी डोला, चला मेरा जी डोला, चला मेरा जी डोला, मुठ भरी होए पालक दी, बस के ते उजड़ गईया जिवे मर्जी है मालक दी, बस के ते उजड़ गईया जिवे मर्जी है मालक दी। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रिंग कनेक्शन ओनली ऑन टीवी चार, कॉन्सर्ट बाय हेमा खान। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बड़ा नाम, पाकिस्तान, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, सरगोधा से, काशिफ अली के।
थोड़ी बहुत नोक झोंक जो आप देख रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है प्रोग्राम, अपनी फीडबैक देते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, डेफिनेटली आप लोगों को इसी तरह से एंजॉय करवाते रहेंगे। तो और एक बात जरूर याद रखिएगा, COVID-19 ये जो सीजन चल रहा है इसमें अपना भी ख्याल करें, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल करें, अपने साथ जो बच्चे हैं उनका भी ख्याल करें, और मेक श्योर कि अगर जरा से भी अपने अंदर ऐसा कोई सिम्टम देखें तो प्लीज अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट करें। अगर ये आप नहीं करेंगे तो अपने साथ बहुत सारे और लोगों को बीमार करेंगे। तो यही एक वो तरीका है जो कि हमारा बींग है, अगर मैं कहूं कि मुस्लिम बींग मुस्लिम, हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हमसे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसका ख्याल हमें करना जरूरी है। और इस वक्त तो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ये सब फेस कर रहे हैं, तो हर किसी का यही फर्ज रहना चाहिए कि अगर मैं जरा सा भी महसूस करूं कि अपने अंदर थोड़ी सी भी अगर कोई ऐसी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करूं ताकि कोई और से बीमार ना हो। तो चले, बहुत मजा आ रहा है यार, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या मतलब, मैंने अभी आगे चलूंगा मैं, एक बड़ी आपकी दूसरी एक और सिफत है उस सिफत की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं पूछूंगा कि क्या मतलब कनाडा आने का कभी सोचा नहीं, क्या चक्कर है, क्या क्या ऐसा कुछ था? हाँ, ये एक बड़ा आपने क्वेश्चन कर दिया है, ये मेरे दिल के मतलब जिसे कहते हैं ना ऐसे सुराख हुए मैं इस बात से। थे कुछ कुछ ऐसे लोग थे तो मुझे उन्होंने कहा कनाडा आना है 3-4 माह में। कह यार मैं मतलब मुझे लोग मेरे इतने फैंस हैं और ये लोग मुझे मतलब कह रहे हैं कि आपने आना है, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, हर चीज दे दी। तो अता पता ही नहीं काशिफ अली के वो इस काशिफ अली के वेयर इज काशिफ अली के कहाँ है। तो मतलब मैं लोग अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा भाई मुझे करना ही हुआ, मैं कोई और कंपनी अप्लाई करूं, मैं लोगों को कहूँ मतलब 6-7 माह तक मैं मतलब उनके पीछे पीछे लगा रहा। मतलब मैं अपनी रियाजत जो करता था वो मैंने रियाजत छोड़ दी। मुझे पता था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट में हूँ, तो हालांकि परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। तो मैं पीछे, उसके बाद मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यार मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब कर पाऊंगा। मैं जब सिंगर्स को देखता हूँ चैनल्स पे तो मतलब सुर से अलग गा रहे होते हैं, ठीक है। मुझे किसी बंदे ने सवाल कर दिया, कहता यार तुम क्या हो तुम? मैं कहा सर मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं तुम हो क्या? मैं कहा सर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो नहीं तुम सिंगर हो, मुझे फेसबुक पे कह रहा था। मैंने कहा यार मतलब मुझसे एज में भी बड़े थे तो मैं तो रिस्पेक्ट ही करूंगा ना। तो कहते यार ये तुम ये फजूल अपना टाइम जाया कर रहे हो, सिंगिंग सिंगिंग तुम्हें आती नहीं है। मैं बड़ा कि साठ हो गया। मैंने कहा यार इस बंदे ने मुझे क्या सिंगिंग आती नहीं, इस बंदे को बन के दिखाना है मैंने। वेरी गुड, ये पॉजिटिव साइन है ना, ये पॉजिटिव साइन है। और देखो इस तरह के लोग समझते हैं कि हम किसी को डिसार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो नहीं कर रहे होते। अल्लाह ताला उनको ये चांस देता है कि तुम हीरो बनो, लेकिन तुम्हारे हीरो बनने से जो जिसको तुम जीरो कर रहे हो वो हीरो बन जाएगा, तुम जीरो हो जाओगे। तो ये डेफिनेटली वैसे ही हुआ। तो और आगे एक ऐसा शो हुआ 2013 में, एक शो हुआ। तो हम खुद पैसे इकट्ठे करके हमने अरेंज किया था, नसीब और लाल जी को बुलाया था हमने। तो जब हमने अरेंज किया, मेरा एक दोस्त था तो उन्होंने एक और सिंगर बुलाया था, लेकिन मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा उसका। तो वो स्टेज पे आए तो मैं भी चला, उन्होंने मेरे दोस्त को बुलाया, मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा, तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया स्टेज पे, उन्होंने मेरा हाथ छुड़ा के कहा स्टेज के नीचे चलो। वो उस सिंगर ने, हालांकि वो लोकल सिंगर है, आज तक वो लोकल ही है। तो मैं बाहर गेट पे गया तो मैं रोने लगा। मैंने कहा यार मेरे यहाँ पे कुछ 2-4 फ्रेंड्स थे, मेरे दोस्त थे, क्या सोचेंगे। बड़ा मैं उस चीज को, मैं फिर 2018 में, 18 में मेरा मॉर्निंग शो था। तो मतलब मुझे जब देखा उन्होंने, मेरे फैंस मतलब उनको पता था कि काशिफ अली के आ रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि वो भी सिंगर वहीं पे है। तो एक ऐसा सीन हुआ कि मैं जब अंदर एंटर हुआ तो मैंने उसका हाथ पकड़ के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। इस बात का बड़ा इशू बना। हमारे साथ थी रूबी अनम जी, रूबी अनम जी। तो उन्होंने उसको बता दिया ऐसे ऐसे, उन्होंने मुझे बुलाया ऐसे ऐसे। मैंने कहा जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। कहते नहीं अब तुम्हारा इतना नाम है और तुम्हारे सीनियर है। मैंने कहा सीनियर को भी चाहिए जूनियर की रिस्पेक्ट करना।
बिल्कुल 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 कहते कहते बात तो आपने ठीक की है, वैसे बात तो ठीक की है। मैंने कहा हाँ अब मैं इनको सॉरी कर सकता हूँ, हाँ मैंने कहा मेरी गलती थी, लेकिन वो मेरे माइंड में ऐसे पेचों के साथ वो गढ़ चुका था, वो ऐसी चीज थी, अब वो निकल चुकी, आजाद हो गई है, जिस जिस चीज को मैंने, और पूरा मेरी हो गया। जिंदगी जिंदगी का एक और है, मैं जब किसी चीज को मतलब हासिल करना चाहता हूँ ना, तो मैंने हासिल करना है, चाहे बस मुझे जंग क्यों ना लड़नी पड़े। वेरी गुड, नहीं गुड गुड, ये अच्छी बात है। और एक और सिफत नाजरीन जो आप देख रहे हैं स्विंग कनेक्शन ओनली ऑन टीवी 4 कौशल भाई हमारा खान, इसमें जो हम दुनिया भर से टैलेंट को जमा कर रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं इस COVID-19 के दौर में, जैसा कि हर कोई फेस कर रहा है, लेकिन हमारी अपनी कोशिश है कि आप अगर अपने घर में बैठे हैं तो आप इंजॉय करें, आप इस टाइम को, इस वक्त को एज ए हेडेक ना लें, एज ए परेशानी ना लें, ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है दोबारा से अपने ईमान को जिंदा करना और अपने आप में ऐसी चीजें करना कि लोगों को आपसे फायदा पहुंचे। तो यही एक काम छोटा सा हम कर रहे हैं ताकि लोग इसमें एंजॉय करें, डिसार्ड ना हो, एक दूसरे से परेशान ना हो, क्योंकि मैं ही जानता हूं कि एक मेहनत करने वाला, काम करने वाला बंदा अगर 2 दिन घर में बैठ जाए तो तीसरे दिन उसको परेशानी शुरू हो जाती, बीमार हो जाता है वो। तो हम यही चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। तमाम नाजरीन के लिए दुआएं हैं हमारी तरफ से। और मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है काशिफ अली के, और उनकी एक दूसरी सिफत आपको बताता हूँ कि काशिफ, मैंने सुना है यार आप मिमिक्री बड़ी जबरदस्त करते हो, थोड़ा बताओ अच्छा क्यों ये सभी देखे देखे अंदर वाले क्वेश्चन सवाल निकाल के लाया हो, ठीक है ना? करते हैं, ये सभी क्वेश्चन करते हैं कि मिमिक्री मैं बहुत अच्छी करता हूँ, तो मुझे किसी ने बताया कि यार मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मैं क्या क्या मानोगे मुझे? कहते मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम कुमार सानू जी को गा के दिखाओ। कुमार मैंने कहा सर कुमार सानू जी, मैंने कहा सुन लो, ओके अच्छा मैंने कहा मुझसे कोई शर्त भी लगाओ, मुझसे कोई शर्त भी लगाओ, और आप लोग जब शर्त मैंने लगाई, शर्त क्या थी? कहते यार आप आओ वहां पे 5 स्टार होटल है, वहां पे तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मैं कह यार तेरा मुंह है 5 स्टार वाला। कहता यार तू शर्त लगा मेरे साथ। खैर मैंने कहा चलो ठीक है। मैं सारी कुछ फीमेल्स थी हमारे डिपार्टमेंट की, कुछ फीमेल्स थी, कुछ स्टूडियो प्रोडक्शंस के लोग थे, तो मैंने कहा चलो आंखें बंद करो सारे, माइक मेरे हाथ में था, तो मैंने उनसे कहा चलो सुनो कुमार सानू जी कैसे कहते हैं। यस ला 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 ला, सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए हे हो हो। वो बंदा परेशान हो गया। यार कहता मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे पता था तो ये तुम कर लोगे। तो बहुत सारी फिर फीमेल की वॉइस में मैंने एक गाना गाया, वो थी अलीशा जी, ऐसी नजर से दिखाओ उस जालिम ने चौक पर, हम भी कभी रख दिया चाकू के नोक पर। मुझे कहते यार तुम शैकी है, मुझे कहता तो ठीक है। मैंने कहा यही तो अभी तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें क्या, अभी किसी को नहीं पता, मुझे जरा ऑन एयर आने दो, तो इंशाल्लाह अब पूरी दुनिया जान चुकी है काशिफ के तुम्हारा पन। अब ये ध्यान में रख लेना कि जिस दिन तुम अपने कॉन्सर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान शुरू करोगे तो डेफिनेटली लोगों ने ये फरमाइशें करनी है, बच के रहना। अभी तो मैंने जो है वो सोनू निगम जी का नाम नहीं लिया अभी मैं मुझे पता लग चुका है बड़े बड़े नाम तुमने जो है मतलब मार्केट में फेंके हैं। तो अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान शहर सरगोधा में। मैं एक सिंगर है एसबी बालाजी, उनको बड़ा अच्छा मैं गाता हूँ, वाह उनको जी सही वाह, में एसबी बालाजी हाँ सुनाओ सुनाओ एसपी बालाजी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम,
कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। ये उनको बड़ा अच्छा गाना। अजय शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई तो किस बात की है लड़ाई। तुझे मैं ये सारी चीजों को मतलब जबरदस्त वेरी गुड काशिफ, तुम्हारा हुनर जो है वो अंदर से निकल रहा है, फूट फूट के निकल रहा है। तो वो जो चीज अंदर होती है उसे निकालना चाहिए, अंदर रखें तो कोरोना हो जाता है, आपको पता है। सही बात है, रखना नहीं चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया काशिफ, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ। और इंशाल्लाह हम अपने नाजरीन को जरूर वादा करेंगे कि ये साथ जो है अब जुड़ा है और हमेशा रहेगा। आप डेफिनेटली हर हफ्ते नहीं तो एटलीस्ट बाय वीकली डेफिनेटली आप काशिफ को देखोगे। और आपकी फरमाइश है, अभी आपको पता लग चुका है कि काशिफ के अंदर क्या क्या हुनर है। आप डेफिनेटली हमें जो है मतलब लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, फरमाइश कर सकते हो काशिफ के लिए कि अपना कोई सॉन्ग सुनाए या अपना कोई गाना सुनाए, या आप जो चाहते हो वो गाना सुने आप उनसे, चाहे वो लेडीज की आवाज में हो चाहे वो जेंट्स की। बताने जा रहा हूँ, बहुत एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं, अमेश जी, हाँ अमेश हाँ रेशमिया। हमेशा जी तुम सांसों में उतर गए हमको दीवाना दीवाना कर क्या गए। बहुत बहुत पिटाई होगी जब इंटरनेशनली मिलोगे। मैं करूंगा उनकी पिटाई। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, और मुझे पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्यार है। तो कुछ लोग मतलब सुनते हैं ना, मैंने ना एक शो देखा अदनान सामी जी का, तो वो कैसे गा रहे थे, गज़ गज़ों गोलियां रोते ही रहते हैं। तो मैं अच्छा उनको मतलब इतना बड़ा नाम है अदनान सामी जी, बहुत बड़ा नाम है और मेरे फेवरेट है। मतलब ऐसा नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान में मतलब उन्होंने पाकिस्तान को लेप किया, इंडिया में उन्होंने लोहा जमा दिया। बाप, वो बताने की आपको जरूरत नहीं है। आपने अगर देखा हो कैनेडियन देसी स्टार का प्रोग्राम, तो उसमें जो है अभी लास्ट टाइम हेमा जी ने एक जो चैलेंज दिया था वो अदनान समी साहब के गाने का ही दिया था, जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने उसको गाया और बहुत फेमस हुआ, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने लाइक किया। तो डेफिनेटली नो डाउट कि इज अ बिग सिंगर, और डेफिनेटली बहुत सारी लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, अदनान समी खान साहब के साथ। तो अदनान समी हमेशा हम सबके दिलों पे राज करते रहे और करते रहेंगे डेफिनेटली। काशिफ हम अगले वीक दोबारा मिलेंगे और दोबारा हमारे नाजरीन को आपकी बहुत सारी और दूसरी चीजें बताएंगे सुनाएंगे। लेकिन एक दफा यार दोबारा बता दो, ये चक्कर क्या था जो मतलब सरगोधा से लेके कहाँ तक। रहीम यार खान, यार बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो, रहीम यार खान एक ऐसा नाम है, एक ऐसी जगह है जिसकी बड़ी खासियतें हैं। तो एनी हाउ मैं इसको ज्यादा नहीं छेड़ता, अगले इसमें हम डेफिनेटली बात करेंगे और मजा करेंगे। तो नाजरीन देखते रहिए, सुनते रहिए स्ट्रिंग कनेक्शन ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हेमा खान। आज हमारे साथ मौजूद थे काशिफ अली के, जो के कई गाने इनके जो है मार्केट में आ चुके हैं जी और कंपोज करते हैं, खुद म्यूजिक देते हैं, खुद गाते हैं, बहुत जबरदस्त है और बहुत सारे लोगों को मौका भी दे रहे हैं आगे। तो डेफिनेटली हमें दुआ करनी चाहिए इनके लिए कि इसी तरह से कोशिश करते रहें और टैलेंट को आगे लाते रहें। हमारी जो स्ट्रिंग कनेक्शन की एक जो छोटी सी कोशिश है, वो स्ट्रिंग चार ने जो की है, वो कोशिश जो है यही है कि आप अपने किसी भी टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें। अक्सर लोग देखा है कि जब कुछ भी नहीं करने को होता है तो उल्टी सीधी चीजों में लग जाते हैं, या लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की बुराई या एक दूसरे के लिए नुकसान करना। तो उससे बेटर है कि आप जब कुछ करते हैं तो आपको उस टाइम का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है और आप बहुत सारी चीजों से बचे भी रहते हैं। तो दुआओं में हमेशा याद रखें नाजरीन, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हर मजहब और हर खुदा को मानने वाले, हर रंग और नस्ल के लिए ये प्रोग्राम है स्ट्रिंग कनेक्शन ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सर्ट बाय हेमा खान। आप इससे जुड़े रहिए और इस नाजुक वक्त में एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए। अब
आपस में हर किसी के लिए मोहब्बत बांटिए, यही हमारा पैगाम है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। जजाकल्ला। थैंक यू वेरी मच।